फेमस टीवी सीरियल अनुपमा की अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो अधिक का दर्द पूरे परिवार के सामने आते देखने के लिए तैयार हो जाइए। वेल, अगर आप इस शो की रेगुलर व्यूअर हैं तो अब रुमाल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अधिक कुमार की बातें आपको काफी ज्यादा हर्ट करने वाली हैं। शो की आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां अधिक को ईशानी के साथ हुए हादसे की सारी खबर मिली है और अधिक पाखी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। भाई, अधिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है, सोच कर कि पाखी की नादानियों के चलते ईशानी इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। अब अधिक शाह हाउस पहुंचेगा और अपना सारा दर्द पूरे परिवार के सामने लाकर रख देगा। भाई, अधिक पूरे परिवार से कहेगा कि मेरे शादी टूटने की सारी सजा मुझे ही मिली। मेरी शादी टूटने के बाद मैं पूरी तरह से बिखर गया। मेरी शादी टूट गई लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं देखा। सबको लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जबकि सच तो ये है कि शादी टूटने का, बेटी के दूर जाने का मुझे सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। आप देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां पर अधिक पूरे परिवार के सामने अपना दिल खोल कर रख देगा। वो सबको बताएगा कि किस तरह से उस पर क्या बीती है। अधिक सबको बताएगा कि किस तरह से उसके और पाखी के रिश्ते की मौत हो गई और इस रिश्ते की मौत के पीछे हाथ रहा पाखी का। अधिक कहेगा अनुपमा से, पूरे शाह परिवार से, कि ये पाखी ही है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटा। इस रिश्ते के टूटने के पीछे की असली कातिल पाखी ही है। अधिक तो अपना दर्द बताकर आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाएगा और इसके बाद वनराज के सामने एक बार फिर से पाखी इल्जाम लगाने वाली है बापूजी पर, जिसे वनराज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई, गुस्से से आग बबूला वनराज यहाँ काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाएगा पाखी को। अब देखना होगा जरा भी जो दिल है वो हल्का अधिक का जो हुआ है उसका असर परिवार के बाकी लोगों पर होता भी है या नहीं।